हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मिडिल पंच मारने के लिए। दोस्तों, मैं शुरू से कराटे सिखा रहा हूं। आज दूसरा क्लास है ऑनलाइन कराटे ट्रेनिंग का। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा पंच कैसे बांधना है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे भाई पंच बांधने ही नहीं जानते हैं। अगर किसी को पंच मारते हैं तो उनको उनका भी पंच घायल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा पंच बांधने के लिए बताऊंगा, आपके पंच को कुछ भी नहीं होगा, आपके फिंगर में जरा भी चोट नहीं आएगा, दुश्मन को ही चोट लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पंच बांधने के लिए सीखना है। तो पंच बांधने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले इस तरह कर लीजिए, उसके बाद ये चार फिंगर जो है आपका दोनों हाथ का, चार चार आठ फिंगर। तो दोस्तों, इसको इस तरह मोड़ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, इस तरह मोड़ लीजिए और ये जो है ये दोनों अंगूठा, इसको इस तरह कर लीजिए। ये आपका लॉक होना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग गलत तरीके से पंच बांधते हैं। किस तरह दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसको अंदर कर लेते हैं और इस तरह बांधते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको, ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप दुश्मन को मारिएगा इस तरह तो आपका फिंगर टूट सकता है। तो दोस्तों, आपको पंच बांधना है इस तरह पंच बांधना है आपको। और दोस्तों, इस मोमेंट में आपको रहना है, देखिए एक हैंड आपका पीछे रहेगा इस तरह कमर पे, दूसरा हैंड रहेगा आगे, और ये आपका पूरा बराबर होना चाहिए, ये इस तरह पूरा रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आपका हैंड रहना चाहिए पूरा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, आपको ये दोनों निकल से ही अटैक करना है, ये दोनों 1 2, बस यही दोनों निकल से आपको दुश्मन को मारना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको मार के भी दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह, ये जो है इसी से अटैक होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह इसी से लगता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपको पहले सीखना है अच्छे तरीके से। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पंच कैसे करना है, कैसे सीखना, इसका प्रैक्टिस कैसे करना है आपको। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यही दो निकल्ब जो है, इसी दो निकल्ब से अटैक करना है दुश्मन को। दोस्तों, मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ जो कि कराटिस्ट करते हैं। देखिए, पीछे पीछे जो पंच खींच के रखते हैं, क्यों खींच के रखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये बात आपको सब लोग नहीं बताएंगे, लेकिन दोस्तों देखिए, पीछे खींच के इसलिए रखते हैं कि मान लीजिए किसी को हम पंच मारें आगे, तो दोस्तों पीछे खींचने का मतलब ये है कि अगर पीछे से कोई दुश्मन दौड़ के आ रहा है तो उसको इससे लगेगा। देखिए, ये जो कोहनी है, इससे दुश्मन को अटैक होगा, बहुत ही खतरनाक चोट लगेगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। घर में किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बहुत आसान तरीके से आप सीख लीजिएगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, दोस्तों गमय का मतलब रुकना होता है। तो दोस्तों, आप देख लिए कितना अच्छे से ये पंच मारा, आपको भी उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। आप ये तो देख लिए कि आपको पंच का प्रैक्टिस कैसे करना है, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी रोड फाइट हो जाए दुश्मन के साथ, तो दोस्तों आपको कहाँ मारना चाहिए जो कि दुश्मन एक ही बार में छटपटा के गिर जाएगा। दोस्तों, दुश्मन का आपको उस जगह पर मारना है जहाँ की दुश्मन का शर्ट का तीसरा बटन और चौथा बटन है, उसी दोनों बटन के बीच में आपको मारना है, इस जगह पर। आप अगर शर्ट पहने तो अभी छू करके देख लीजिए इस जगह पर कितना नॉर्मल होता है यहाँ पर। दोस्तों, इस जगह पर आपको अटैक करना है, देखिए इस जगह पर। दोस्तों, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों मैं इसी तरह रोज कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो रोज लाता रहता हूं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।